बोथ हैंड पियानो बजाते वक्त ये ट्रिक आपको जरूर फायदा देगी कि किस तरह से आप क्विकली कॉर्ड स्विच कर सकते हैं। आपको अपने हाथ के पास देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्विकली इतना एक्यूरेटली आप बोथ हैंड से कॉर्ड स्विच करेंगे। सही टाइम में आप बजा नहीं पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस तरह से आपको कॉर्ड स्विच करने हैं और सॉन्ग आगे चला जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है और उससे हमारे मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है, कुछ सीखते हैं अगर आप इससे, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस लेसन में हम लोग बात करेंगे ए मेजर स्केल की। तो ए मेजर स्केल पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप कॉर्ड्स स्विच करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमें ए मेजर स्केल बजानी है, जो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो ज़रूर देखिए यहाँ पे। तो ये नोट्स हैं ए मेजर स्केल के। आपको जिस स्केल के लिए कॉर्ड्स बजानी हैं उस स्केल की सारी नोट्स कौन सी हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। मैं अपने दोनों हाथ ए मेजर कॉर्ड, क्योंकि हम ए मेजर स्केल बजा रहे हैं, हम लोग ए मेजर कॉर्ड पर रखेंगे। अब इस कॉर्ड को हम बोलेंगे रूट कॉर्ड है ए मेजर स्केल की। तो अब अगर आप देखते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड ही अगर आप लेते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको जो तीन नोट्स आप बजा रहे हैं ए मेजर कॉर्ड की, वो है ए सी शार्प और ई। अब आप देखिए इस स्केल में इन तीन नोट्स के अलावा कौन सी सात नोट्स हैं ए मेजर स्केल में। तो ये आती है, ये आती है, ये आती है और ये आती है। देखिए हो गया, कंप्लीट हो गया। ये 7 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मतलब नी सा रे ग म प ध, ध के बाद फिर से नी आएगा जो हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है। उसी तरह से आप राइट हैंड में भी देख सकते हैं कि ये तीन नोट्स हैं ए मेजर कॉर्ड की, उसके अलावा ये एक नोट है, ये एक नोट है, ये और ये। सारी नोट्स आपने इस तरह से ए मेजर स्केल की भर दी। अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ए मेजर स्केल में सबसे पहली वो है रूट कॉर्ड जो कि ए मेजर। अब ए मेजर स्केल में और कौन सी कॉर्ड आप बजा सकते हैं, पहली बात इन तीन नोट्स में से जिसको अगर मैं मेरे किसी भी हाथ के फिंगर्स जो प्ले कर रहे हैं नोट्स को, तो मैं कहूँ ये लो है, ये मिड है और ये हाई है। लोएस्ट पिच, मिडिल पिच, हाईएस्ट पिच, इस कॉर्ड का जब मैं बजा रहा हूँ तो इस तरह से लो मिड हाई। अब मैं क्या करूँगा, हाई को एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाऊँगा। अब एक स्केल डिग्री का मतलब क्या है, तो मेरे स्केल में जो नोट्स आते हैं, आपने देखा कि ये नोट्स आते हैं मेरे स्केल में, तो मैं यहां से हाईएस्ट जो है उसको एक स्केल डिग्री ऊपर करूंगा। ये जो कॉर्ड बनती है वो ए मेजर स्केल का एक हिस्सा है। लेफ्ट हैंड से भी मैं वही करूंगा, लो मिड हाई, हाई को एक स्केल डिग्री ऊपर करता हूं। ये बनी एफ शार्प माइनर कॉर्ड फर्स्ट इन्वर्जन में। अगर आप इससे कंफ्यूज होते हैं भूल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन इन नोट्स के सहारे मैंने एक ऐसी कॉर्ड बजाई जो ए मेजर स्केल का हिस्सा है। फिर से ए मेजर कॉर्ड, हाई को एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाइए, फिर से ए मेजर, राइट। अब इसी जगह से मैं मिड को, मिडल जो है अभी ये वाली, ये देखिए, इनको मैं एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूँ। फ्रेंड्स, एक स्केल डिग्री का मतलब एक सेमीटोन या दो सेमीटोन नहीं होता, स्केल में आने वाले जो नोट्स हैं उनको मैं सीक्वेंस में एक से ऊपर लेके जाता हूँ। तो मिडल वाला जो अभी ये बजा रहा है उसके बाद ये बनेगा। मैंने अभी जो कॉर्ड बजाई वो है डी मेजर कॉर्ड जो सेकेंड इन्वर्जन में है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये अपने स्केल में आती है। फिर से ऐसे शुरू करते हैं, ए मेजर, हाइएस्ट या हाई को लेके जाइए एक स्केल डिग्री ऊपर, मिड को लेके जाइए एक स्केल डिग्री ऊपर। आपने तीन कॉर्ड्स बजाए फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तीन कॉर्ड्स ए मेजर स्केल में आती हैं। हमने स्केल ढूंढने के बाद, स्केल बजाने के बाद किस तरह से एडवांस किया, बहुत इजी था। आपको बस खाली स्केल डिग्रीज कहाँ पे हैं वो पता होना चाहिए, लो मिड हाई पता होना चाहिए, और आपने शुरुआत करनी चाहिए रूट कॉर्ड से, जो मुझे लगता है आपको पता चला किस तरह से। बी मेजर स्केल है तो बी मेजर उसकी रूट कॉर्ड बनती है, एफ मेजर स्केल है तो एफ मेजर उसकी रूट कॉर्ड बनती है, ए मेजर में। आप देखिए मेरे हाथ किस तरह से मूव हो रहे हैं। अब इसके बाद जब मुझे सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस में नीचे आना है जिसमें मैं ऊपर गया, तो मैं क्या करूँगा, मिडल को एक स्केल डिग्री नीचे लाऊंगा। नीचे मतलब नीचे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पिच में, मतलब मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा। ये बनी फिर से एफ शार्प माइनर कॉर्ड। अब मैं हाईएस्ट जो है उसको एक स्केल डिग्री नीचे लाता हूँ ताकि मैं पहुंचूं ए मेजर पे, ए मेजर कॉर्ड पे, राइट।
फिर से राइट। अब मैं एक एक स्टेप्स में ना जाते हुए मैं दो स्टेप्स में एक साथ जाऊंगा, जैसे कि इसके बाद मैं मिडिल और हाई दोनों को एक एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूं। ये भी बनी भाई मेरी डी मेजर कॉर्ड। अब मैं क्या करता हूं, मिडिल को सिर्फ एक स्केल डिग्री नीचे लाता हूं। ये वही स्टेप है जो मैंने स्किप की थी, जो है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। इसके बाद जो हाईएस्ट है हाई है उसको मैं एक स्केल डिग्री नीचे लाता हूं। फिर से मैं पहुंचा रूट पे। इवन लोएस्ट जो है उसको भी एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर हम अभी हैं डी मेजर में, तो डी मेजर में आप देख सकते हैं रूट से हम कैसे डी मेजर पहुंचे। रूट से मिडिल और हाई दोनों को एक एक स्केल डिग्री में ऊपर लेके गया, तो ये बना। अब मैं क्या करता हूं, जो लोएस्ट है जो कि ये है, इसको भी मैं इस पोजीशन से एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूं, सो दैट मैं पहुंचूंगा इस कॉर्ड पे। ये भी हिस्सा है हमारी स्केल के कॉर्ड्स का। तो ये कॉर्ड है बी माइनर कॉर्ड। अभी बी माइनर में हूं जहां पे रूट की कोई नोट नहीं है। अगर मुझे जाना है तो इसी सीक्वेंस में जाना है कि पहले लोएस्ट को नीचे लाइए, जिससे आपको मिलेगी एक कॉर्ड जो इस स्केल में है। फिर लेके जाइए मिडिल को नीचे एक स्केल डिग्री से। फिर से हम हैं उस कॉर्ड में जो इस स्केल का हिस्सा है। अब हाईएस्ट को लेके जाइए नीचे। जब ये करते हैं हम पहुंचते हैं ए मेजर कॉर्ड पे। अब इसके बाद जिस तरह से हमने फिंगर्स को ऊपर लिया उसी तरह से अब नीचे लेके जाते हैं। देखते हैं, हम फिर से शुरुआत करते हैं रूट पे। यह है ए मेजर कॉर्ड। अब देखिए मैं क्या करता हूं, जो लोएस्ट है उसको एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाता हूं। ये बनेंगी, ये कॉर्ड है सी शार्प माइनर सेकेंड इन्वर्जन में। अब उसी तरह से मिडिल को मैं एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाता हूं, तो मैं पहुंचता हूं ई मेजर कॉर्ड पे जो कि है फर्स्ट इन्वर्जन में। अब इसी तरह से मैं इसी को ऊपर लेके जाता हूं, कैसे, एक एक स्टेप में। तो मिडिल को मैं एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूं, मैं पहुंचता हूं फिर से सी शार्प माइनर पे, और जो लोएस्ट है उसको मैं एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूं, जो मैं फिर से जाता हूं ए मेजर कॉर्ड पे। उसी तरह से जब हम हैं ई मेजर कॉर्ड में, अब मैं हाईएस्ट को भी जो कि ई नोट है उसको भी एक स्केल डिग्री नीचे लेके आता हूं। ये भी एक कॉर्ड है। अब ये डिमिनिश्ड कॉर्ड है जो थोड़ी सी क्रिएट्स टेंशन, लेकिन यस ये भी हिस्सा है इस स्केल का, ए मेजर स्केल की कॉर्ड्स का। तो ये कॉर्ड बनती है जी शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड, रूट पोजिशन में है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जैसे मैंने ए मेजर से बी माइनर पे अपने हाथ लिए, उसी तरह से यहाँ पे ए मेजर स्केल कॉर्ड से, ए मेजर कॉर्ड से मैं जाता हूँ जी शार्प डिमिनिश पे। कैसे, तीनों स्केल डिग्रीज, तीनों लो मिड हाई जो ए मेजर कॉर्ड के थे उनको मैं लेके गया एक स्केल डिग्री नीचे। सी शार्प माइनर के लिए मैं लोएस्ट को एक स्केल डिग्री नीचे लेके गया। फिंगर्स वही हैं दोस्तों कॉर्ड्स के लिए, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं फिंगर्स। मिडल को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाता हूं। अब दोनों को एक एक स्केल डिग्री ऊपर लेके जाता हूं, लो और मिड को, ताकि मैं पहुंचूं रूट पे। ओके, अब ऊपर जाते हैं, हाईएस्ट को एक स्केल डिग्री ऊपर पहुंचाइए, मिडल को एक स्केल डिग्री ऊपर पहुंचाइए। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा तो रूट पहली कॉर्ड है, हाईएस्ट को एक स्केल डिग्री ऊपर ये दूसरी कॉर्ड बनी, मिड को एक स्केल डिग्री ऊपर तीसरी बनी, लोएस्ट को एक स्केल डिग्री ऊपर चौथी कॉर्ड बनी। अब फिर से सीक्वेंशियली नीचे आते हैं, हमने चार कॉर्ड्स पाए, लोएस्ट को लाइए एक नीचे। बेसिकली ये कॉर्ड ऑलरेडी हमने काउंट किए, इसके लिए मैं फिर से नहीं करूंगा, चार हो गए। अब मिडिल को एक स्केल डिग्री नीचे लाता हूं, ये भी हो गई है एफ शार्प माइनर। हाईएस्ट को एक स्केल डिग्री नीचे, फिर से हम आ गए रूट पे। ये चार कॉर्ड्स हैं। अब हम जाते हैं लोएस्ट को एक स्केल डिग्री से नीचे लेके जाते हुए। ये बनती है सी शार्प माइनर कॉर्ड सेकेंड इन्वर्जन में। ये हुई पांचवी कॉर्ड। मिडिल को लेके जाते हैं एक स्केल डिग्री नीचे, तो पहुंचते हैं ई मेजर कॉर्ड फर्स्ट इन्वर्जन में। ये हुई छठवी कॉर्ड। और सातवीं कॉर्ड कौन सी है, हाईएस्ट को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाते हुए। ये बनती है जी शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड रूट पोजीशन में। इस तरह से हमारे पास हैं सात कॉर्ड्स। अब फ्रेंड्स क्विकली हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी कॉर्ड से कहीं पे भी जाना इसकी। मैं स्क्रीन पे लिखूंगा मैं किस कॉर्ड का जिक्र कर रहा हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप उस कॉर्ड पे जा सकते हैं। तो इसमें मैं ऊपर जाना
मतलब रूट से ऊपर लेके जाना, रूट से नीचे लेके जाना, या दोनों एक दूसरे के बाद एक करूँगा, आपको एक ट्रिक और बताऊंगा जिससे आपको ये इजी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एफ शार्प माइनर पे हैं, जो कि ये है, रूट से हम यहाँ पे जाते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ जी शार्प डिमिनिश कॉर्ड बजाइए, जिसमें आपको सारा नीचे लेके जाना होता है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। सिंपल ट्रिक है, आपको हमेशा उस चीज़ को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं रूट पे, हाईएस्ट को एक स्केल डिग्री ऊपर, एफ शार्प माइनर। अब यहां से हमें जाना है ई मेजर कॉर्ड। तो कैसे है देखिए स्क्रीन पे। यहां जाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को पोजीशन करेंगे रूट पे। शुरुआत में आपको ये करना होगा, बहुत 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 जरूरी है। पोजीशन करिए, प्ले मत करिए रूट को, बस इसके बाद ये बजाने के बाद आप पोजीशन करिए इस तरह से, और उसके बाद लो और मिड को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाइए, ताकि आप जाते हैं ई मेजर कॉर्ड पे। अब यहां से मैं बोलूंगा आपको बी माइनर पे जाइए। तो बी माइनर आपको स्क्रीन पे देखिए किस तरह से बी माइनर पे पहुंचते हैं हम, लेकिन वो पहुंचने के लिए हम हॉल्ड कहां पे लेंगे, ऐसे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं रूट के बाद तीनों स्केल डिग्रीज को ऊपर लेके जाने का काम कर रहा हूं एक साथ। यहां पे मुझे एक एक कॉर्ड बजा के जाते हुए नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है। ई मेजर से फिर से रूट पे लाइए अपने हाथ को इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मैं आपके पास देख रहा हूं और फिर भी मैं किस तरह से कर रहा हूं, तो मैंने उसकी देखते हुए इतनी प्रैक्टिस की है। और जब आपको पता है कि किस तरह से आपको अपने हाथ को कम से कम मूव करते हुए इस चीज को अचीव करना पॉसिबल है, तो ये आप जरूर करेंगे और आपसे भी वो बिना देखे हो जाएगा और वक्त भी नहीं लगेगा, एक्यूरेटली आप बजाएंगे। तो हम हैं बी माइनर पे, बी माइनर से हम जाते हैं डी मेजर पे। कैसे जाएंगे, लोएस्ट को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाना इस तरह से। इसके बाद हम जाते हैं सी शार्प माइनर पे। कैसे जाएंगे, सबसे पहले अपना हाथ रूट पे लाइए, उसके बाद लोएस्ट को एक स्केल डिग्री नीचे लेके जाइए। बहुत इजी होगा अगर आप इस चीज को ख्याल में रखते हुए इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली आप इस चीज को किसी भी स्केल पे कर सकते हैं, मेजर टाइप माइनर टाइप किसी भी स्केल पे। ऑफ कोर्स मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये सब सिखाता हूँ, मेरे सुपरविजन के अंडर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखना तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप फाइंड करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा मिला तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि किस तरह से ये आपका आपको हेल्प कर रहा है, आपको ये हेल्प करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए, सारे वीडियोस देखिए, सारे आपके लिए हैं, हर लेवल के लिए हैं, और जल्दी डेवलप हो जाइए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।